ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो या कोई भी सरकारी प्रमाण पत्र बनवाना हो, आज के समय में ये बनवाना बेहद उलझन भरा काम होता है। और जब बात ड्राइविंग लाइसेंस की रिन्यू कराने की बात हो तो कई लोग हैरानी में पड़ जाते हैं कि आखिर वह इसे रिन्यू कैसे करें। तो आज हम आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे कि मिनट में आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को कैसे रिन्यू कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने से जुड़ी पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में देखिए। आप सभी ये बात तो जानते ही होंगे कि किसी भी वाहन को चलाने के लिए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस की एक्सपायरी डेट नजदीक आ रही है या फिर डीएल एक्सपायर हो गया है, तो आप लोग किस तरह से डीएल को रिन्यू कर सकते हैं? आज हम आप लोगों को कुछ जरूरी बातों के बारे में बताएंगे, जैसे कि एक्सपायर होने के कितने दिनों में डीएल रिन्यू करना पड़ता है और ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करने का प्रोसेस कैसे होता है। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है तो घबराइए मत, आपके पास रिन्यू कराने के लिए 30 दिनों का समय है। इसका मतलब ये है कि अगर 30 दिनों के अंदर आपने ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करा लिया तो ठीक, नहीं तो 30 दिनों के बाद आपको फाइन भरना पड़ेगा। अगर आपको भी ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करना है तो इसके लिए आपको डीएल एप्लीकेशन फॉर्म 2, फॉर्म नंबर नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए या फिर फॉर्म 1A ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए और रिन्यूअल फीस को भरना होगा। दी गई जानकारी के मुताबिक प्राइवेट लाइसेंस वालों को एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 2, 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस, उम्र और एड्रेस प्रूफ की कॉपी को सेल्फ अटेस्ट करना होगा। इसके अलावा फिजिकल फिटनेस के लिए फॉर्म नंबर 1 सेल्फ डिक्लेरेशन फीस और फॉर्म नंबर 1A में दिए गए मेडिकल सर्टिफिकेट को भी डॉक्टरों से भरवा कर देना होगा। 40 से ऊपर की उम्र के लोगों के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को sarthi.parivahan.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद राज्य को चुनना होगा। राज्य चुनने के बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस मेन्यू में से सर्विस ऑन ड्राइविंग लाइसेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों ही फॉर्म आप लोगों को parivahan.gov.in पर आसानी से मिल जाएंगे। फॉर्म भरने के लिए आप लोगों को सभी जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको ऑनलाइन फीस जमा करनी होगी। प्राइवेट लाइसेंस की बात करें तो डीएल की वैलिडिटी 20 साल की होती है। गौर करने वाली बात यह है कि 40 की उम्र के बाद जो भी ड्राइविंग लाइसेंस इशू किया जाता है उस डीएल की वैलिडिटी पहले तो 10 साल के लिए होती है, उसके बाद फिर डीएल हर 5 साल में रिन्यू होता है। अगर आप भी ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सरकार को छोटी सी फीस भी देनी होगी। अगर आप डीएल एक्सपायर होने से 30 दिनों के अंदर यानी ग्रेस पीरियड में ही डीएल को रिन्यू करवा लेते हैं तो आपको ₹400 देने होंगे। वहीं अगर आप एक्सपायर डेट निकलने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करते हैं तो ऐसे में आपको ₹400 के बजाय ₹1500 फीस देनी होगी। कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें अपनी राय कॉमेंट करके जरूर बताएं। Discover excellence at Mayur School Siliguri, proudly governed by the Mayo College General Council Ajmer, with a legacy of 150 years in education.
Our 8-acre lush green campus and AC-equipped smart classes offer cutting-edge learning experiences. Mayur fosters a strong sports culture. Our CCTV-covered campus and GPS-equipped buses provide utmost security to our students. Admissions open for grade 1 to 7 with hostel facilities. पत्रकार से लेकर न्यूज एंकर और एडिटर बनने के शौकीन युवक युवतियों के लिए बड़ी खबर। अगर आप भी सीखना चाहते हैं पत्रकारिता, अगर आप बनना चाहते हैं न्यूज एंकर या बनना चाहते हैं एडिटर, अगर आपको है कंप्यूटर, आईटी और हिंदी साहित्य का नॉलेज, अगर आपके अंदर है स्पीकिंग पावर, तो आप सबके लिए है बड़ा मौका। केबीसी न्यूज प्रदान करता है पत्रकारिता से जुड़े सभी फील्ड में कदम बढ़ाने का शानदार अवसर। आइए केबीसी न्यूज के साथ कदम से कदम मिलाकर खुद को और अपने शहर को आगे बढ़ाएं। आवेदन देने की अंतिम तारीख 21 मार्च गुरुवार। ध्यान रहे, हमारे पास लिमिटेड जगह है। आवेदन देने का पता केबीसी न्यूज कार्यालय, बनिया टोला, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06452242601, मोबाइल नंबर 9297979727, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9431229220, ईमेल आईडी katihar@kbcnews.in। आपको अपने आवेदन के साथ आधार कार्ड, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट और एक फोटो देनी है। आवेदन फॉर्म हमारे कार्यालय में निशुल्क उपलब्ध है। वेतनमान 20,000 तक, योग्यता अनुसार।